नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो ना? ओके, तो अब तक आपने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में आपने ए ए की मात्रा आपने सीखा था, तो आज के क्लास में हम क्या सीखेंगे? भी आज के क्लास में हम ओ की मात्रा सीखेंगे। ओ की मात्रा किस तरह होती है, ओ की मात्रा शब्द हम कैसे जोड़ेंगे, वो इस क्लास में हम देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, देखेंगे हम ओ की मात्रा जोड़कर लिखना। ओ की मात्रा जोड़कर लिखना में कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कैसे मात्रा जोड़ा जाता है। तो पहला उदाहरण है मोर। मोर को हम कैसे इसे स्प्लिट करेंगे? मोर को म जोड़ ओ की मात्रा जोड़ र, ये क्या हो गया? मोर। म जोड़ ओ की मात्रा जोड़ र, ये क्या हो गया? मोर। मोर मीन्स पिकॉक। ओके, नेक्स्ट वन घोड़ा। घोड़ा को हम कैसे स्प्लिट करेंगे? घोड़ा घ जोड़ ओ की मात्रा जोड़ डा, ये क्या हो गया? घोड़ा। घोड़ा मीन्स हॉर्स। ओके, नेक्स्ट वन कौन सा है? कोयल। कोयल मीन्स कुकू। तो कोयल को हम कैसे स्प्लिट करेंगे? ओ की मात्रा क जोड़ ओ की मात्रा जोड़ य जोड़ ल, ये क्या हो गया? कोयल। नेक्स्ट जो है कौन सा है? टोपी। टोपी को हम कैसे स्प्लिट करेंगे? ट ट जोड़ ओ की मात्रा जोड़ पी, ये क्या हो गया? टोपी। टोपी कहे तो हैट। ओके, नेक्स्ट वन टोपी को कैप भी कहते हैं, हैट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वन जो है ना समोसा। समोसा मीन्स रिजॉल। तो समोसा को हम कैसे स्प्लिट करेंगे? स जोड़ म जोड़ ओ की मात्रा जोड़ सा, ये क्या हो गया? समोसा। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, मोर को हम इस तरह स्प्लिट किए, घोड़ा ओके घ जोड़ ओ की मात्रा जोड़ डा, कोयल क जोड़ ओ की मात्रा जोड़ य जोड़ ल कोयल, टोपी त जोड़ ओ की मात्रा जोड़ पी टोपी, समोसा स जोड़ म जोड़ ओ की मात्रा जोड़ सा, ये क्या हो गया? समोसा। तो इस तरह हम ओ की मात्रा शब्द को जोड़ते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जो टेक्स्ट बुक में हैं। सभी बच्चों, तो बच्चों आप सभी किताब खोलिए, पेज नंबर 48। तो 48 में अभी क्या है? ओ की मात्रा के वर्ड्स हैं। तो ध्यान से देखिए कौन कौन से ओ की मात्रा शब्द हैं। पहला जो शब्द है वो कौन सा है? ओस। ओस मीन्स ड्यू। तो इसे हम क्या कहकर बुलाते हैं? ओस। ओस मीन्स ड्यू। नेक्स्ट जो है ओ की मात्रा और एक शब्द कौन सा है? मोर। मोर मीन्स पिकॉक। नेक्स्ट वन जो है कौन सा? ओट। ओट मीन्स होट, मीन्स लिप्स को हम क्या कहते हैं? ओट भी कहते हैं। नेक्स्ट वन मोटर। मोटर जो है ना ओ की मात्रा शब्द है, मोटर को हम कार भी कहते हैं। नेक्स्ट वन जो है ना, यहाँ पर दिए गए शब्दों को आपको क्या करना है? ट्रेस करके लिखना है। जो भी वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं आपको ट्रेस करके पेंसिल से लिखना है टेक्स्ट बुक में। मोर। मोर मीन्स पिकॉक। सोना। सोना मीन्स स्लीपिंग। नेक्स्ट दोबारा। दोबारा मीन्स अनदर वन टाइम। नेक्स्ट लोरी। लोरी मीन्स क्रैडल सॉन्ग। नेक्स्ट कोयल। कोयल मीन्स कुकू। घोड़ा। घोड़ा मीन्स हॉर्स। ढोलक। ढोलक मीन्स ड्रमर। तोता। तोता मीन्स पैरट। बोल। बोल मीन्स जो हम बात करते हैं ना वो, उसे हम बोल कहते हैं। गोल। गोल मीन्स सर्कल। तो ये था बच्चों ओ की मात्रा शब्द आपको ट्रेस करके लिखना है, और ये जो शब्द है ओ की मात्रा आपको क्या करना है? क्लास वर्क में लिखना है। तो बच्चों अभी हम देखेंगे वन में होली लेसन 8 लेसन है, तो पेज नंबर 50 है वो खोलिए, उसके साथ आप पेंसिल भी लीजिए। तो जो भी मैं शब्द आप यहाँ पर बताती हूँ उसे आपको लिखना है, ध्यान से सुनिए लेसन को। ओके बच्चों, तो वन में होली में जो है ना शब्दार्थ हैं वो इस प्रकार हैं, ध्यान से देखिए।
पहला जो शब्द है कौन सा है, होली। होली मीन्स होली ओनली, होली फेस्टिवल। नेक्स्ट वन मोर, मोर मीन्स पिकॉक। ओके नेक्स्ट वन गुलाल, गुलाल मीन्स पिंक कलर। जो आप होली फेस्टिवल में खेलते हो ना पिंक कलर का रहता है वो है गुलाल। नेक्स्ट वन जो है ना तोता, तोता मीन्स पैरट। ओके नेक्स्ट वन जो है ना कोयल, कोयल मीन्स कुकू। कुकू जो बर्ड है उसे हम कोयल कहते हैं। नेक्स्ट पिचकारी, पिचकारी मीन्स वाटर गन। तो बच्चों अभी हम देखेंगे कुछ और शब्द यहाँ पर हैं, शब्दार्थ हैं, उसका मीनिंग क्या है अब हम देखेंगे। खरगोश, खरगोश मीन्स रैबिट। ओके नेक्स्ट टोपी, टोपी का मीनिंग क्या है, कैप। नेक्स्ट भालू, भालू मीन्स बेर। नेक्स्ट टोली, टोली मीन्स ग्रुप। ओके ढोकले, ढोकले मीन्स वी स्वीट, यानी कि वी से जो है ना स्वीट बनाते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं, ढोकले। ओके नेक्स्ट समोसा, समोसा मीन्स आपको तो पता है समोसा है ना बच्चों, तो उसे हम क्या कहकर बुलाते हैं, रिजॉल, रिजॉल। ओके समोसा मीन्स रिजॉल। तो बच्चों अभी हम देखेंगे वन में होली लेसन क्या है, उसका स्टोरी क्या है, तो देखेंगे सभी। अपना किताब खोलो, पेंसिल रखिए अपने हाथ में, तो जो भी मैं पढ़ूंगी ऐसे आपको भी पढ़ना है, ठीक से पढ़िए, ध्यान से स्टोरी को सुनिए और समझिए। वन में होली, वन में होली यानी कि वन मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में होली मना रहे सभी, यहाँ पर जानवर जो है ना पक्षी जो है ना सभी मिलकर होली मना रहे। कैसे मना रहे होली वो हम देखेंगे। इसमें ओ की मात्रा शब्द दिए गए हैं, तो कैसे ये ओ की मात्रा शब्द वो भी हम देखेंगे। आज वन में होली मनाई गई, आज वन में होली मनाई गई, होली मीन्स होली फेस्टिवल। नेक्स्ट मोर गुलाल लेकर आया, मोर जो है ना क्या लेकर आया बच्चों, मोर क्या लेकर आया, गुलाल लेकर आया, गुलाल मीन्स पिंक कलर जो है ना वो लेकर आया। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है तोता और कोयल पिचकारी लाए, तोता और कोयल, तोता जो है ना यहाँ पर है, तोता और कोयल, कोयल क्या लेकर आए, पिचकारी लेकर आए। पिचकारी मीन्स जो है ना वो वाटर गन, उसमें आप पानी और रंग भरकर जो है ना खेलते हो ना उसे हम क्या कहकर बुलाते, वाटर गन जो है ना पिचकारी। ओके बच्चों कौन किसने लेकर आए, तोता और कोयल, तोता और कोयल ने पिचकारी लेकर आए, और गुलाल कौन लेकर आए, मोर लेकर आए। ओके छोटा सा खरगोश सबके लिए टोपी ले आया, छोटा सा खरगोश सबके लिए टोपी लेकर आया, उसने सबको एक एक टोपी पहनाई, उसने सबको एक एक टोपी पहनाई, किसने पहनाई, खरगोश ने पहनाई। भालू ने ढोल बजाया, भालू मीन्स बेर जो है ना, भालू ने क्या बजाया, भालू ने ढोल बजाया। ओके मोर चमचम नाचने लगा, मोर चमचम नाचने लगा, फिर सबने टोली बनाकर होली खेली, फिर सबने टोली बनाकर, टोली मीन्स ग्रुप बना के सबने होली खेली, एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली, एक दूसरे को गुलाल लगाया और खूब शोर मचाया, एक दूसरे को गुलाल लगाया और खूब शोर मचाया, शोर मीन्स नॉइज। ओके दोपहर हो गई थी, दोपहर मीन्स आफ्टरनून हो गई थी, सबने मिलकर ढोकले और समोसे खाए, सबने मिलकर, सबने मिलकर ढोकले, ढोकले जो है ना स्वीट, स्वीट है, और समोसा मीन्स रिजॉल्व है, तो खाए। इतने में टबक टबक घोड़ा आ गया, इतने में टबक टबक कौन आ गया, घोड़ा आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं घोड़ा जो है ना आवाज करते हुए आता है। उसने सबको अपनी पीठ पर बैठाकर गोल गोल घुमाया, उसने सबको, उसने सबको अपनी पीठ पर बैठाकर, पीठ मीन्स बैक पर बैठाकर जो है ना गोल गोल घुमाया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया वन में होली लेसन किस प्रकार था, इसमें कौन कौन से जानवर आए, भालू, घोड़ा, कोयल, खरगोश, मोर,
और तोता जो है ना, ये सभी जानवर पक्षी जो है ना इसमें थे, और सभी ने मिलकर जो है ना क्या खेले, होली खेले। तो कितने सुंदर से वो भी होली खेले ना, आप भी ऐसे खेलते हो ना होली में, ठीक है। तो बच्चों अभी आपको क्या करना है, क्लास वर्क में ओ की मात्रा वर्ड्स जो है ना जोड़कर लिखना, वो लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी शब्दार्थ हैं, जो भी शब्दार्थ हैं ये आपको लिखना है क्लास वर्क में, शब्दार्थ आपको लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी टेक्स्ट बुक में वर्क है उसे आपको कंप्लीट करना है। जो भी टेक्स्ट बुक में वर्क है, जो क्वेश्चन आंसर से, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको क्या करना है, क्लास वर्क में लिखना है। बाकी सभी जो है ना एज इट इज टेक्स्ट बुक में आपको कंप्लीट करना है। जो भी टेक्स्ट बुक का काम है, ग्रामर पार्ट जो भी है, उसे आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। ये आपको नोट्स पे मिलेगा, उसे आपको पीडीएफ बाद में मिलेगा, वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो लेसन है ना, मटर या टमाटर। तो वन में होली, मटर या टमाटर दोनों मिला के आपको एक वर्कशीट आएगा, उसे आपको लिखना है। तो इस वीडियो के साथ आपको नोट्स भी मिलेगा, उसे भी आपको कंप्लीट करना ही, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको अपने नोट्स को जो है ना कंप्लीट रखना है। पीए 4 के लिए आपको तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए। कर्सिव राइटिंग पेज नंबर 18 तक आपका कंप्लीट रहना है। तो ऐसे ही आपको पढ़ाई की ओर भी ध्यान रखना है, अपना सेहत का भी ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।